आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अपना व्रत तोड़वाने का ये कौन सा तरीका ढूंढ निकाला तुमने? तुम जानती भी हो कि व्रत उपवास कैसे रखे जाते हैं? मन में पवित्र भावनाएं होती हैं तभी व्रत उपवास हो सकते हैं। यही सब करना था तो उपवास किया ही क्यों? एक्चुअली मदर इन लॉ, ये सब ट्रिक मैंने टीवी सीरियल में देखी थी। जब कोई ना कोई कैरेक्टर ये कहता ही रहता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। परिधि, तुम जो टीवी में देखती हो जरूरी नहीं है वो सब कुछ सच दिखाते हैं वहां। और तुम जिस झूठ के रास्ते चलकर अपनी बात मनवाने पे तुली हो ना, बच्चों पर इसका कितना गलत असर हो सकता है जानती हो तुम? परिधि, सिर्फ चाहना ही सब कुछ नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए रास्ता भी सही होना चाहिए। ओह, तुम्हें अब समझी। तो आप ही हैं वो जिन्होंने मेरे खिलाफ इन सबको भड़काया है। साथ निभाना साथिया। जाके जान में जान आई, इतना मजा आया ना आज। थैंक्स गोपी बहन। अगर नानी आज जाओगी तो फिर वो आपको बहुत डांटती। अरे तुम्हारी नानी की बस फुर्सत कहाँ है, वो तो आजकल आत्माओं से बात करने में बिजी है। परिधि बिना बच्चों के सामने कुछ भी बातें करती। हेलो किंजल बेन, जय श्री कृष्णा, बोलिए। क्या, कौन बाबा? अच्छा ठीक है किंजल बेन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। इसका मतलब परिधि जानती है कि मामी जी राशि बेन की आत्मा के साथ बात करती है, पर कैसे? परिधि को कौन बताएगा? मामी जी तो परिधि के साथ झगड़ा कर कर बैठी है, बात भी नहीं करती इससे। फिर क्यों मामी जी इसे बताएंगे? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं नहीं जानती? तरह के नाटक परिधि कैसे कर सकती है? हर बार एक नया झूठ। रिश्ते नातों में इस सब की कोई जगह नहीं होती है कोकिला बहू। फिर भी क्या तुझे ऐसा लगता है कि परिधि को एक अवसर और देना चाहिए, और खास करके आज की घटना के बाद? हाँ बा, अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी आसानी से परिधि झूठ बोल लेती है। बड़े छोटों का लिहाज तक नहीं है उसे। और बच्चे, कोकिला कभी सोचा है उनका क्या? परिधि ये सब कुछ जो कर रही है उसका बच्चों पर क्या असर होगा, खास करके मीरा और मोलू? वो दोनों तो उसकी सहायता कर रहे हैं ना। परिधि, मदर इन लॉ, अपना व्रत तोड़वाने का ये कौन सा तरीका ढूंढ निकाला तुमने? तुम जानती भी हो कि व्रत उपवास कैसे रखे जाते हैं? मन में पवित्र भावनाएं होती हैं तभी व्रत उपवास हो सकते हैं। यही सब करना था तो उपवास किया ही क्यों? एक्चुअली मदर इन लॉ, ये सब ट्रिक मैंने टीवी सीरियल में देखी थी। जब कोई ना कोई कैरेक्टर ये कहता ही रहता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। परिधि, तुम जो टीवी में देखती हो जरूरी नहीं है वो सब कुछ सच दिखाते हैं वहां। और तुम जिस
झूठ के रास्ते चलकर अपनी बात मनवाने पे तुली हो ना, बच्चों पर इसका कितना गलत असर हो सकता है जानती हो तुम? परिधि, सिर्फ चाहना ही सब कुछ नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए रास्ता भी सही होना चाहिए। ओह, तुम्हें अब समझी। तो आप ही हैं वो जिन्होंने मेरे खिलाफ इन सबको भड़काया है, क्योंकि आप तो मुझे खुश देख ही नहीं सकती ना। आपके प्रॉब्लम क्या है गोपी बहन? बस परिधि, मेरे ऊपर उंगलियां उठाकर तुम अपनी गलतियां नहीं छुपा सकती, समझी तुम? ओ रियली? बस परिधि बस, ये मत भूलो कि मोटा भाभी और गोपी बहू जो कह रही है सही कह रही है, चाहे जो भी किया हो, लेकिन तुमने रास्ता गलत अपनाया। तुमने गलती की है तो तुम्हें सबसे माफी भी मांगनी होगी। जी, सॉरी बा, सॉरी मदर इन लॉ, लेकिन आप लोग जानते हैं ना मैं जीक से कितना प्यार करती हूँ, इसलिए ये फास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जानती हूँ कि मेरा रास्ता गलत था, बट आई प्रॉमिस यू मैं नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाऊंगी जिससे आप सबको हर्ट हो। एक्सक्यूज मी, बाप ओकिला, ये लड़की मेरी समझ के बाहर है। एक पल ये अपनी बातों से हमें चौंका देती है तो दूसरे पल उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जाता है। चिंता मत कीजिए मोटा भाभी, समय के साथ परिधि का बचपना भी दूर हो जाएगा। कब कोकिला, कब? मुझे तो लगता है। लगता क्या है, पूरा यकीन है कोकिला, ये लड़की हमारे जिगर के लिए सही नहीं है। जो भी हो, हमें परिधि को थोड़ा समय देना ही होगा। कहीं ना कहीं मेरी इस सोच के पीछे मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि हमारे जिगर का हश्र भी ठीक वैसा हो जैसा अहम दिकरा का हुआ था, जब गोपी वो अहम दिकरा की जिंदगी से बहुत दूर चली गई। परिधि की बचकाना हरकत ही सही, कम से कम जिगर अपनी प्रतिक्रियाएं तो दर्शाता है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि हमें परिधि को थोड़ा और समय देना चाहिए, जिगर के लिए। गोपी बहू, तुम परिधि के बारे में अधिक सोच सोच कर तनाव में मत आया करो। हमें बीजी बात गोपी बहू, तुम परिधि के प्रति अधिक कठोर व्यवहार मत रखना। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।